आज हम लोग चैप्टर 28E डिफरेंशिएशन चैप्टर के लिए हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो माय नेम इज राजेश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज। तो आओ, तो बिना देरी किए हमने चैप्टर का हेडिंग लगा दिया हुआ है। तो हम अगर तुमको याद आ रहा हो तो हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हमने आपको दिया, याद आ रहा है क्या? देखो, तो हमने आपको बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स। उसी प्रकार से हमने बताया कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, आपने बोला माइनस साइन एक्स होता है जी। उसी प्रकार से हमने आपको बताया कि टैन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है जी, है ना। कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन, एक कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, तो माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। फिर बताया गया सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है। उसी प्रकार से हमने आपको बताया कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, बिल्कुल माइनस cos x स्क्वायर x होता है। लेकिन एक बात, इस बात को ध्यान रखो ना कि ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोगों को बच्चों ध्यान क्या देना है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में तुमको ध्यान देना है कि साइन का एंगल कितना है, x है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में। ठीक, एंगल इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल ये सेम रहेगा तभी तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो, इस कॉस का एंगल अब ये जब तक सेम नहीं होगा, ये जब तक एंगल सेम नहीं होगा आप ये फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते हो। यानी ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोगों को इत्मीनान हो लेना होता है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल और ए ए ए ए सेम है कि नहीं। अब जैसे ना कि हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो जिसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है उसको हम लोग क्या बच्चों मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब हमसे कह रहे हैं साइन फोर एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम तो बोला भाई क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यही लिखते हैं ना। तो मतलब क्या हुआ कि हम दोनों तरफ डीडीएक्स ले लिया है, एक तरीके से मतलब यही हुआ, अरे डीडीएक्स कट गए भैया यार, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग जल्दीबाजी में ये सोचते हैं ना कि जैसे हम लोग जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो अब लगता है कि भाई यहां भी तो आप साइन के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो, तो लगता है कि कॉस फोर एक्स बोल दो। हम लोग सिंपल दिमाग लगाते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन फोर एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस फोर एक्स होगा। लेकिन तुम इस बार गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? क्योंकि हमने बोला कि जो साइन का एंगल है एक्स और ये जब तक सेम नहीं होगा फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। आज मेरा साइन एक्स का एंगल कौन है, देखो तो एक कॉस फोर एक्स है, क्या ये सेम है, क्या है सेम, अभी फॉर्मूला लगना चाहिए क्या, अभी लगाओगे तो गलत माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि साइन का एंगल और ये सेम है नहीं। तो अभी तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि बच्चों अभी फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए। तो क्या करोगे, अगर यहां एक्स के बजाय अगर फोर एक्स होता तो हाँ ये फॉर्मूला लग जाता, ये सेम होना चाहिए, तो अभी तो सेम है नहीं। अरे सेम नहीं है ना, तो जबरदस्ती करके उसको सेम कर लिया करो। कैसे देखो, तो अभी तो गलत है लगाना, कैसे देखो, तो कैसे यही है ना, ये जो एंगल है ना उतार लो। क्यों एंगल को हमने उतारा, क्योंकि जब तक ये सेम नहीं होगा फॉर्मूला हम लगा ही नहीं पाएंगे जी। अब इसको फिर मेकअप कर दिया करो, इधर यहां लिख लो dx, बड़े आराम से देखो एक कट जाएगा, तुम अभी भी वहीं हो, डी दिस दिस एक कट जा रहा वहीं हो, ऐसा करो, इस फायदा क्या हुआ, अब हम कहेंगे कि हाँ ये सेम है जी, सेम है, अब फॉर्मूला लगेगा जी, अब हम कह लेंगे लगा दूँ बिल्कुल।
यानी हम तो कह रहे हैं जी कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो यानी साइन 4x का कितना हो गया, कॉस 4x हो गया। अब एंगल सेम है इसलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब सिंस 4 कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएशन के पीछे जाएगा तो 4 पीछे चला गया। अब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, लिख दो यानी कॉस 4x, ये उत्तर क्या 4, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, यानी आंसर थोड़ा सजा के लिख देते हैं तो 4 cos 4x, ये हमारा आंसर हो गया। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि हम तुमसे कहें कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्या उतरता है, तो हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में एंगल उतरता है। क्यों एंगल उतरता है भाई, क्योंकि जब तक ये सेम नहीं होगा फॉर्मूला लग नहीं पाता है। ओके, इसलिए इस सेंटेंस को ध्यान रखना कि हम बोल रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्या उतरता है, एंगल उतरता है। क्यों एंगल उतरता है, क्योंकि जब तक सेम होगा नहीं फॉर्मूला का यूज हम कर नहीं पाते बच्चों। ओके, आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर है 2, ये देख लो, कॉस 5x का डिफरेंशिएशन चाहिए, लिखा पड़े तो हो गया दोनों तरफ dx पे ले लिया, ये देख लो, ये देख लो, ये दोनों तरफ हमने dx पे ले लिया। अब कोई जल्दीबाजी में बोलेगा कि कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स होता है जी, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन 5x, है कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अब कोई बोला कि यहाँ तो कॉस 5x है, इसका मतलब कॉस 5x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x होगा। गलत हो, गलत 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 सोच रहे। क्यों भाई गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसका एंगल देखो और इसे देखो, ये जब तक सेम नहीं होंगे, जब तक सेम नहीं होंगे फॉर्मूला भला कैसे यूज होगा। तो हम करते क्या है, इसको जबरदस्ती सेव करते हैं, मतलब कि जो एंगलवा है ना उसे हम उतार देते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, तब तो ये दोनों सेम हो गया। अरे भाई तुम ये अपने से किए हो तो इसे मेकअप तो करना ही पड़ेगा, एक कट जाएंगे तुम अभी भी ओरिजिनल अपने जगह पर बने हुए हो। अब फायदा हुआ, अब फायदा हुआ, ये दोनों सेम हो गए। अब हम कहेंगे कि हाँ भाई कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, माइनस साइन, हाँ ये जो एंगल है ठीक है जी, बढ़िया है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो कॉस 5x हो गया माइनस साइन 5x, 5 कॉन्स्टेंट तक पीछे गया तो किसका dx निकलेगा, एक्स का, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, यानी सजा दूँ तो ये हो गया माइनस 5 साइन 5x, ये हमारा आंसर हो गया। समझ आओ, बड़े आगे ठीक है। अगला है tan 3x, ये तो इसी प्रकार से बन जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, तो एक टाइप का है तो तुम बना लोगे क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन नंबर 4 ये है cos x क्यूब, फिर लिखा पड़ी वही जी, ये तो हर प्रॉब्लम में वही है, दोनों तरफ एक बार dx ले लिया, दोनों तरफ dx ले लिया, वो कट गया भाई। अब ये देखना फॉर्मूला का यूज होगा क्या, नहीं, ये सेम होना चाहिए, अभी सेम नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्या उतरना चाहिए, एंगल उतरना चाहिए। ये देख लो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में एंगल उतरना चाहिए, इस कॉस का एंगल है एक्स क्यू, मेकअप 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 कट जाएगा जी तुम भाई। अब ये सेम है ना, अब लगा दो ना फॉर्मूला यार, ठीक है कॉस का होता है माइनस साइन जी, हाँ होता है माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन कॉस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ कॉस का माइनस साइन, ये जो एंगल हो रहा है क्या एक्स इन पे टूटा, तो एक्स क्यू का कितना 3x² आंसर लिख रहे हो। थोड़ा इसको पहले लिख दिया, सजा कर लिख दिया, क्या दिक्कत है, ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। चल जल्दी से नोट करो इसको, इसलिए हम बोले ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्या उतरना चाहिए गाइज, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्या उतरना चाहिए, एंगल। क्यों एंगल उतरना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सेम होगा नहीं फॉर्मूला का यूज तुम कर नहीं पाओगे। ओके ठीक, इन नंबर 5, इन नंबर 5 क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात ये बताना, ठीक है हमें इसको जो है डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में,
क्या इस कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, ठीक है लिख लो जी। अब क्या करा, लिखा पढ़ी, दोनों तरफ डीडी एक्स ले लिया, दोनों तरफ डीडी एक्स ले लिया। तो एक बात तो समझ में आ रहा है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में फॉर्मूला यूज तब होता है जब एंगल अवे सेम हो, एंगल अवे सेम हो, एंगल अवे सेम हो, अदरवाइज फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। ओके ठीक है भाई। अब कुछ इसलिए हमने बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में क्या उतरना चाहिए, एंगल उतरना चाहिए। अच्छा एक बात ये भी है ना कि जैसे मैं बोला ना कि एक्सएम का डिफरेंशिएशन कितना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो तुम क्या बोल रहे थे, एन एक्स एन माइनस वन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंपल भाषा में कहें तो पावर का केस है, एक बेस है। पावर के केस में फॉर्मूला यूज तब होना चाहिए जब बेस अवे सेम हो, और जब तक सेम नहीं हो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। समझ लो हम क्या बोल रहे हैं कि पावर के केस में फॉर्मूला का यूज तभी तुम कर सकते हो जब बेस अवे सेम हो, अदरवाइज फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। ओके अब तुम देखो ना, प्रॉब्लम ये था हमने दोनों तरफ डी डी एक्स तो ले लिया, ये पावर का केस नहीं है क्या, एक्शन के रूप में नहीं है क्या? देखो तो मतलब फॉर्मूला यूज कब होगा पावर केस में, तो हम कहते हैं जब तक ये सेम होना चाहिए। यहाँ तो क्या करना चाहिए, कॉटेक्स अगर उतार देते हैं ये सेम होना चाहिए, तो हम जबरदस्ती करके सेम कर दिया, फिर इसको यहाँ पर मेकअप कर दिया, मेकअप कर दिया। और फिर ट्रिगो के केस है, एक ट्रिगो का केस है, और जैसे हमने बताया कि ट्रिगो केस में क्या उतरता है, एंगल उतरता है। एंगल उतरता क्यों, एंगल उतरता है भाई क्योंकि जब तक ये सेम नहीं होगा फॉर्मूला लगेगा नहीं। हालांकि ये जो तरीका है ना इसको चेन रूल कहते हैं, चेन रूल। और चेन रूल में तब तक हमें बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है जब तक इनको फाइनल अंत में यहाँ पर डी एक्स ना मिल जाता। अरे कट गया यार वही वो, ये पावर का केस है, बेस उतरा, याद रखना पावर के केस में बेस उतरता है, ट्रिगो के केस में एंगल उतरता है। इसको एक्स के रूप में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर, याद करो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसको हम एक्स के रूप में देख रहे हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स, टू एक्स। ये जब तक सेम नहीं होता फॉर्मूला लग ही नहीं पाता, एक्स स्क्वायर का टू एक्स। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। बस बस कुछ नहीं जी, सचा दो, ये हम लोगों का आ जाता है आंसर। ओके इसलिए हम जो समझ पा रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एंगल उतरना है, पावर के केस में बेस उतरना है। तो यही चार पांच वो सेंटेंस है जो तुमको याद रखना है, फर्स्ट कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में जो है एंगल उतरना है, पावर केस में जो है बेस उतरना है। कुछ और दो चार आएंगे आगे चलकर हम बात करेंगे इस पर। ती हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स, वही है टैन क्यू एक्स। नंबर सेवन क्या है, टैन रूट एक्स। दोनों लिखा पढ़ी, दोनों तरफ जो है ले लिया डी डी एक्स, दोनों तरफ ले लिया डी डी एक्स, कट जाता है वही हो, ट्रिगो का केस है। अब तो ट्रिगो का केस है, एंगल उतरेगा, एंगल उतरेगा कि जब तक ये सेम होगा नहीं फॉर्मूला लगता नहीं है। ओके फिर इसको हमने मेकअप किया, इसको हमने मेकअप किया, कट जाता है तुम वही हो। ये सेम होना चाहिए तो फॉर्मूला लगना चाहिए। टेन एक्स, टेन एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन, याद करो, याद करो, हम थोड़ा एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, और जब तक ये सेम होगा नहीं फॉर्मूला तुम लगा नहीं पाओगे। आज मेरा सेम तो है इसलिए तो हमने यहाँ पर एंगल को उतार दिया जिससे कि सेम हो जाए। टेन एक्स टेन का होता है सेक स्क्वायर, टेन का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। ओके और रूट एक्स का सीधे डिफरेंशिएशन होता है भाई, सीधे फॉर्मूला रूट एक्स का क्या, वन बाई टू रूट एक्स। अरे सजा के लिख दो ना, हो क्या आंसर सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई टू रूट एक्स, ये लोगों का आंसर हो गया। ओके अगला है एट में, एट में है ई के पावर एक्स फोर। ओके समझ लो, समझ लो, लिखा पढ़े
दोनों तरफ डी डी एक्स लेके दिखा दिया, समझना नया केस, दोनों तरफ डी डी एक्स लेके दिखा दिए। अब तुम सोचो ई एक्स को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई एक्स ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फॉर्मूला का यूज कब होता है, कब, जब ऊपर वाला अब सेम हो, जब तक ये सेम नहीं होगा फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बच्चों, कि एक्स याद आ रहा है ना, एक कॉन्स्टेंट का पावर वेरिएबल, इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे देते थे, वही लॉग ए। तो दोनों ये जो है ना हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तुमको जो ध्यान देना है ना कि एक्सपोनेंशियल के केस में फॉर्मूला तब यूज होता है जब ऊपर वाला ये सेम हो, ऊपर वाला ये सेम हो, सोच लेना इस बात को। इसलिए जैसे अब यहां देखो एक्सपोनेंशियल, अगर इसको एक्स के रूप में देखूं, ये सेम हो जाता तो फॉर्मूला का यूज हो जाता, लेकिन अभी तो सेम है नहीं। इसीलिए बच्चों हम लोग कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल केस में क्या उतरना चाहिए, तो ऊपर वाला उतरना चाहिए। क्यों ऊपर वाला उतरना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सेम होगा नहीं फॉर्मूले का यूज नहीं हो पाता, इसलिए ऊपर वाला उतरना चाहिए। अब फिर उतर तो गया तो मेकअप तो करोगे ना, हाँ उतर गया ही, इसको मेकअप कर दिया। अब काय का केस है, पावर का केस है, तो पावर के केस में क्या उतरता है, बेस उतरता है, क्योंकि पावर केस में जब तक ये सेम होगा नहीं फॉर्मूला का तुम यूज कर नहीं पाओगे, इसलिए पावर केस में क्या उतरता है बच्चों, बेस। पावर के केस में अब समझ लो हम क्या बोल रहे हैं, पावर के केस में बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक केस में एंगल, एक्सपोनेंशियल केस में ऊपर वाला, ये तीन वो केस बनता है, बन रहा भी ना, एक दो ठे और आएगा, घबराओ नहीं। ओहो कट गया, वहीं के वहीं हो, कट गया वहीं के वहीं हो। अब इसको एक्स के रूप में देखें तो ई एक्स का होता ई एक्स, ई एक्स का होता ई एक्स। अब ये सेम है जी, जैसे ये सेम बोल रहे थे, ये सेम है, अब तो लगेगा फॉर्मूला, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है जी, बढ़िया बात है, ई एक्स ही होगा, ई एक्स ही होगा। और एक्स फोर का कितना हो जाता है, फोर एक्स क्यूब, एक्शन पर टूटा, अरे सजा के लिख देते हैं, चाह रहा है हम लोगों का आंसर, ये लो आंसर हो गया, तो आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, 9 ई के पावर कॉट एक्स, लिखा पड़ी दोनों तरफ डी डी एक्स लिख के दिखा दूं, लो दोनों तरफ डी डी एक्स लिख के दिखा दूं, एक्सपोनेंशियल है याद रखना, एक्सपोनेंशियल में ऊपर वाला उतरता है। अब क्यों ऊपर वाला उतरता है, अब तो कहानी समझ में आ रहा है, ये ऊपर वाला उतरेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल में जब तक ये सेम नहीं होगा फॉर्मूला लगेगा नहीं, इसलिए सेम करना तो उतार दिया ऊपर वाले, फिर इसको हमने मेकअप कर दिया, मेकअप कर दिए। अब तो ट्रिगो का केस है, ट्रिगो में क्या उतरता है, एंगल, याद रखना ट्रिगो में क्या उतरता है, एंगल, क्योंकि ट्रिगो केस में जब तक एंगल अवे सेम नहीं होगा फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं, तब तक कार्यक्रम को बढ़ाते चलना है ना जब तक लास्ट में डी एक्स ना मिल जाए। और तुम देखो ए ए ए ए ए कट गया, अभी भी तुम वही हो, ई एक्स, इसको एक्स के रूप में देखें, ए सेम होता है तो फॉर्मूला लगता है, ए मेरा सेम है, इसको ई एक्स के रूप में देखें, इसको एक्स के रूप में देखें, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही, ई एक्स का इंटीग्रेशन, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे फॉर्मूला भाई, क्या माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, थोड़ा सजा के लिख दू तो चलो चलो सजा के लिख दिया, हा? ये तो हमारे आंसर हो गया है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अंडर रूट साइन एक्स, अब यहां से भी एक पैटर्न क्या मिल रहा है देखो, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स, रेट वाई है कि नहीं रेट वाई है जरा बोल दो। अब ये रूट, अब देखो रूट का केस में फॉर्मूला तब लगता है जब अंदर वाला, ये अंदर वाला वे सेम हो, रूट के केस में अंदर वाला वे सेम हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, वरना न लग पाएगा ये। अब तुम सोचो
मेरा क्वेश्चन ये है, लिखा पढ़ी कर लिया, लिखा पढ़ी हो गया, लिखा पढ़ी करने के बाद दोनों तरफ चलो हमने डीडीएक्स लेने वाला जो कार्यक्रम था वो भी कर दिया, कट गया फिर वहीं के वहीं। अब सवाल है, कोई बोलेगा कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट साइन एक्स का होगा 1/2 रूट साइन एक्स। गलत। क्यों गलत? क्योंकि जब तक ये सेम होगा नहीं फॉर्मूला लगेगा नहीं। क्या आप ये सेम है क्या, सेम है क्या? अभी फॉर्मूला लगना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए बच्चों। तो सेम नहीं है तो फिर क्या करें? तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, या फॉर्मूला लगाना है तो जबरदस्ती करके सेम कर लो जी। कैसे? देखो ना कैसे सेम करते हैं। ए अंदर वाला उतार लो। क्यों रूट के किस में अंदर वाला उतार रहे? क्योंकि जब तक ये सेम होगा नहीं फॉर्मूला लगेगा नहीं जी। उतर गया एंगल अंदर वाला, फिर इसको यहां पर मेकअप करना होगा। मेकअप कर दिया जिससे कि कट जाए। अब ट्रिगो का केस है, तो ट्रिगो के केस में क्या उतरता है? एंगल। एंगल याद करो, समरी करा दूं, ट्रिगो के केस में क्या उतरेगा? एंगल। पावर केस में क्या उतरेगा? बेस। एक्सपोनेंशियल केस में क्या उतरेगा? ऊपर वाला। रूट के केस में क्या उतरेगा? अंदर वाला। ट्रिगो केस में क्या उतरेगा? एंगल। पावर केस में क्या उतरेगा? बेस। एक्सपोनेंशियल केस में क्या उतरेगा? ऊपर वाला। और रूट के केस में क्या उतरेगा? अंदर वाला। एक लॉग वाला केवल बच गया, बस यही 4-5 है तुमको जो ध्यान रखना, बाकी तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे। वैसे भी समझो, एक कट गया कट गया कट गया कट गया, तुम वहीं के वहीं हो। अब यदि इसे हम एक्स के नजरिए से देखें तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, तो अगर हम इसे एक्स के नजरिए से देखें तो रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। इसका कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स मतलब क्या? साइन एक्स। ओहो सेम है, फॉर्मूला लगेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब बस सजा दो जी, बस सजा दिया और ये हम लोगों का बच्चों आ जा रहा है आंसर। आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 कुछ उसी टाइप से। तो पहले 12 देख लेते हैं, ये 12 देख लिया। कितना है? 3 माइनस 4x का पावर 5। इसको जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको बच्चों हम लोग y मान लेते हैं। लिखा पढ़ी कर लिया, लिखा पढ़ी करने के बाद हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ dx ले लिया। ये लिखिए, ये दोनों तरफ हमने dx ले लिया। पावर का केस है ना xn, तो पावर के केस में जब तक ये सेम नहीं होगा फॉर्मूला लगेगा क्या? इसलिए हमने बोला पावर में क्या उतरता है? बेस। क्या उतरेगा जरा बोलो? बेस। बेस उतरा। क्यों बेस उतार रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखो पावर केस में जब तक के सेम होंगे नहीं फॉर्मूला लगेगा नहीं, इसलिए बेस को हमने उतार दिया। इसको फिर मेकअप कर दो। लो मेकअप कर लिया भाई, इसको डी एक्स ले लो, इसको यू माइनस वी पे तोड़ लेंगे। अरे यार ये देखो ना कट गया, वहीं के वहीं हो क्या? अब एक्स के रूप में देखे इसको, एक्स के रूप में, एक्स के पावर फाइव। तो क्या होगा? एक्स एन एन एक्स एन एक्स एन माइनस वन फाइव माइनस वन। अब देख लेना फॉर्मूला हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसा हम बोल रहे हैं एक्स एन के केस में फॉर्मूला यूज तब करते जब ये सेम होना चाहिए। है मेरा ये सेम, इसलिए एक्स फाइव का हो गया 5x4। ठीक है, ये तो बटेगा ना तो किस पे जाएगा? तो डी डी एक्स जाएगा 3 पर, माइनस 4 पीछे गया जी, तो डी डी एक्स किसका निकला? एक्स का निकला जी। जोड़ घटाओ पे डिफरेंशिएशन बट गया जी, 3 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का कितना 1। तो अगर हम आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये उतर गया 3 का 0 4, एक्स का 1। थोड़ा सजा दू, ये 0 में से 4 गया तो -4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -20। और ये अपनी जगह पर अभी भी बना हुआ है, ये अभी भी बना हुआ है,
ये हो जाता है हम लोगों का आंसर। ओके चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 12 और 14 ले लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 एक टाइप का है, हम छोड़ दे रहे हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर एन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि दोनों तरफ हम dx लेने जा रहे हैं, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ये देखिए ठीक है, ये दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, dx कट गया। वही पावर का केस है, xn कैसे फॉर्मूला तब लगेगा जब बेस और बेस सेम हो, इसलिए हमने बोला पावर केस में क्या उतरना चाहिए, बेस। इसको x के रूप में देखो, बेस उतरना चाहिए पावर केस में बच्चों, बेस उतरना चाहिए। ये देखो पावर केस ऐसे होना चाहिए तो फॉर्मूला का यूज कर पाओगे। अरे तो इसलिए तो कह रहे हैं कि पावर केस में बेस उतरना चाहिए, उतार दो ना, उतार दो। तो फिर इसको तुम बेस उतर गया, अब तो इसको मेकअप करना पड़ेगा। लो इसको मेकअप कर दे रहे, मेकअप कर दिया बाय, इसको dx दे दो। अब इसको u प्लस v पे तोड़ देंगे और बड़े आराम से कट जाता है, वही के वही हो, कोई हर्ज भी ना हो पाया है। अब यदि अगर हम इसे x के रूप में देखते हो तो xn क्या कर रहा है, एन एक्स एन एक्स एन माइनस वन। फार्मूले का यूज इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि ये सेम होना चाहिए पावर केस में, आज मेरा सेम है इसलिए इसको हम एक्शन पे तोड़ रहे हैं। एन एक्स एन माइनस वन ये तो बटेगा क्या, ए पीछे एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बी पीछे एक्स का 1, सी कांस्टेंट टर्म है 0, समझो ए कांस्टेंट पीछे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस बी पीछे एक्स का 1 प्लस सी का डिफरेंशिएशन 0। अब कुछ मत करो, सजा दो n, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज n माइनस 1। इसको थोड़ा सजा के लिख दू तो हो जाता है 2ax प्लस बी, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ओके और एक क्वेश्चन नंबर 15 आज हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो गया, ये है 1/x² माइनस एक्स प्लस 3 का होल क्यूब। ओके है ना, क्या करोगे क्या करेंगे, हम चाहे तो इसको u बाई वी पे तोड़ सकते हैं, एक उपाय तो था कि u बाई वी पे, याद है ना पिछला चैप्टर में हम लोग u बाई वी पे तोड़ते थे, v पीछे तो u का डिफरेंशिएशन माइनस u पीछे तो v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का होल स्क्वायर, चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे इसको, या फिर एक उपाय ऐसा कर लो ना इसको ऊपर भेज दो ना, ऊपर भेज दोगे तो जो पावर प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, क्या होगा, अब फिर से पावर का केस बन गया, एक्शन का केस बन गया, अब एक्शन केस बन गया। चलो लिखा पढ़ी पहले कर लो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट, समझ रहे हो ना कितना परेशान करोगे, दोनों तरफ dx लेना है। लो भाई दोनों तरफ dx ले लिया दोनों तरफ dx। अब भाई एक्शन का फॉर्मेट है, पावर का फॉर्मेट है, फॉर्मूला तब लगेगा जब ये दोनों सेम हो, इसलिए हम कहते हैं कि पावर के केस में बेस उतरना चाहिए। ये देखो पावर के केस में बेस उतरना चाहिए, पावर केस में बेस उतरना चाहिए, बेस उतरेगा क्योंकि जब तक के सेम होंगे नहीं फॉर्मूला लगेगा नहीं, देख लेना हम इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, इसमें बेस उतरना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। इसको फिर मेकअप तो करना ही पड़ेगा, अब यहां dx ले लो, इसको dx जोड़ घटा पर बढ़ देंगे, खचक कट गया, वही के वही हो, है ना।
अब हुआ क्या बच्चों, जरा देखो तो एक्स एन सेम है, फॉर्मूला यूज होगा एक्स एन एन एक्स, देखते चलना बढ़िया से एन एक्स एन एक्स एन माइनस वन एन माइनस वन बटेगा क्या, ब्रैकेट ले लो ना, इडीडी एक्स बटेगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो। नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार बांट के तुम दिखा देना, समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बांट के दिखा देना। क्या हो गया माइनस थ्री, मन है तो थोड़ा इसको पहले लिख लूँ क्या, टू एक्स माइनस वन, ये देखो तो क्या हुआ माइनस थ्री, इसको इधर एकर पावर माइनस फोर नीचे आ गया तो पावर प्लस में हो जाएगा क्या, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री का पावर फोर हो गया, और ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर में जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 तक आज हमने सॉल्व करा दिया हुआ है। अब जो बाकी जो बचे हुए प्रॉब्लम है अगले वीडियो में लेके आएंगे, अगली वीडियो में बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए कंप्लीट करा देते हैं। तो आज बच्चों हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, टेक केयर, बाय बाय।